स्वागतम। विघ्नहर्ता शुभकर्ता श्री गणेश को नमन करते हुए हम 36वें चक्रधर समारोह के प्रथम डिजिटल आयोजन में आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्री गणेश पूजन विधि राज परिवार के सम्मानित सदस्यों द्वारा राज परिवार की कुलदेवी माँ समलेश्वरी की पूजा अर्चना करते हुए राज परिवार के सदस्य समारोह के स्मृति पुरुष महाराजा चक्रधर सिंह के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण, महाराजा चक्रधर सिंह जी की मंझली पुत्र वधु रानी श्रीमती स्नेहमाला देवी सिंह द्वारा। राजकुमारी उर्वशी देवी सिंह द्वारा पुष्पांजलि। कुमार देवेंद्र प्रताप सिंह, रानी श्रीमती भवानी देवी सिंह, पुष्प अर्पण करते हुए कुमार योगेंद्र प्रताप सिंह एवं रानी ऐश्वर्य बेला सिंह जी। नटवर सिंघानिया, डिजिटल प्रसारण सहयोग एवं आभार प्रोफेसर अंबिका वर्मा एंकरिंग, क्रोन मीडिया टैलेंट मैनेजमेंट मधु शर्मा, मनोज श्रीवास्तव ग्राफिक्स,
गुणनिधि भोज एवं लक्ष्य चंद्रा रायगढ़ सिटी इंस्टाग्राम पेज। मैं आमंत्रित करता हूं औपचारिक आभार प्रदर्शन के लिए कुमार देवेंद्र प्रताप सिंह जी को। कुमार देवेंद्र प्रताप सिंह 36वें चक्रधर समारोह के आज के समापन अवसर पर माननीय माता श्री रानी स्नेहमाला देवी सिंह जी, माननीय दीदी उर्वशी देवी सिंह जी, राज परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण एवं रायगढ़ के कला प्रेमी दर्शकगण, आप सभी का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। COVID-19 कोरोना त्रासदी ने मनुष्य को शताब्दियों का सबसे भीषण रोग दिया है। कोरोना की वजह से पूरे 10 दिन तक अपनी संपूर्ण भव्यता के साथ संपन्न होने वाला देश विख्यात चक्रधर समारोह का आयोजन भी प्रभावित हुआ है। खतरा यह लगने लगा था कि कोरोना के कारण इसे पूरी तरह निरस्त किया जा सकता है। ऐसी भीषण परिस्थिति में महाराजा चक्रधर सिंह के सांस्कृतिक अवदानों को समर्पित इस समारोह को निरंतरता बनाए रखने के लिए हमने जिला प्रशासन रायगढ़ सहित अन्य लोगों और संस्थाओं से संपर्क किया। ऐतिहासिक गणेश मेला का शुभारंभ राजा भूदेव सिंह जी द्वारा प्रारंभ किया गया। राजा चक्रधर सिंह जी के बाद इस परंपरा का निर्वाह सन 1984 में मेरे पिता श्री महाराज कुमार सुरेंद्र कुमार सिंह जी एवं रायपुर के सर्वोदयी नेता केवर भूषण जी एवं रायगढ़ के साहित्यकारों एवं संगीतकारों द्वारा चक्रधर समारोह का आयोजन करने का निर्णय यहीं मोती महल परिसर में किया गया। यह सांस्कृतिक परंपरा किसी भी कारण से खंडित ना हो, इसलिए इसके डिजिटल आयोजन और प्रसारण का दायित्व राज परिवार ने वहन किया। अंततः हम इसके 10 दिवसीय आयोजन की परंपरा को बनाए रखते हुए इसके आयोजन एवं प्रसारण में सफल हुए। हमने इस आयोजन में देश के शास्त्रीय गायन, वादन एवं नृत्य के कलाकारों के साथ लोक रुचि और कव्वाली कवि सम्मेलन, गजल और लोक संगीत के कार्यक्रमों को भी शामिल किया। श्री गणेश जी की अनुकंपा से निर्विघ्न संपन्न हुआ। 36वें चक्रधर समारोह को गुणी दर्शकों की सराहना प्रशंसा मिली है, यह हमारी उपलब्धि है। इस संपूर्ण गरिमामय आयोजन के लिए मैं सभी कलाकारों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, राज परिवार के सभी सम्मानित सदस्यों को भी धन्यवाद, प्रोफेसर अंबिका वर्मा जी के कार्यक्रम संचालन के प्रति विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा, साथ ही श्री नटवर सिंघानिया जी, मधु शर्मा जी, क्राउन मीडिया टैलेंट मैनेजमेंट, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। श्री मनोज श्रीवास्तव, श्रीमती रेणु गोयल जी, कार्यक्रम रिकॉर्डिंग व्यवस्था के लिए रायगढ़ सिटी इंस्टाग्राम पेज लक्ष्यदीप चंद्रा एवं कैमरा तकनीकी गुणनिधि भोज और रायपुर से गोपाल सन्याल जी को भी धन्यवाद देता हूँ। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार साथियों का मूल्यवान कवरेज और रिपोर्टिंग के लिए भी बहुत धन्यवाद। सबसे विशेष धन्यवाद देश के कोने कोने से जुड़े लाखों लाख दर्शकों को देना चाहूँगा।
आप जैसे ही संगीत प्रिय दर्शकों की वजह से चक्रधर समारोह अपनी पहुंच और सार्थकता प्राप्त कर सका। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अवसर है महाराजा चक्रधर सिंह के पुण्य स्मरण का। शताब्दियां दर शताब्दियां बीतती जाती हैं और तब किसी ऐसी ही एक शताब्दी की कोख से महाराजा चक्रधर सिंह जैसे कलावंत नरेश का जन्म होता है। संगीत, साहित्य और अन्य ललित कलाएं महाराजा चक्रधर सिंह के लिए सांसें लेने की मानिंद अहमियत रखती थी। कथक नृत्य को महाराजा चक्रधर सिंह का विशेष स्नेह मिला। ये उनके समर्पित कथक प्रेम की इंतहा थी कि पूरे भारत में कथक का रायगढ़ घराना स्थापित, चर्चित और स्वीकृत हुआ। गोंड वंश के आदिवासी राजा चक्रधर सिंह ने, संगीत के इस अजीब शान बादशाह ने रायगढ़ को पूरे देश के सांगीतिक कैनवास पर हमेशा के लिए अंकित कर दिया। यहां तक कहा जाने लगा कि रायगढ़ में बच्चे रोते हैं तो सुर में रोते हैं। इस आयोजन से हम ऐसे महान संगीत साधक को संगीतांजलि ही अर्पित कर रहे हैं। नमस्कार। चक्रधर समारोह की आज की सांस्कृतिक यामिनी में आपके साथ आपका हम सफर, मैं प्रोफेसर अंबिका वर्मा, और हम देश की प्रख्यात कथक आइकन शिखा खरे जी का कथक नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। शिखा जी के कथक नृत्य से विभोर होकर पूरी कायनात जैसी ठहर सी जाती है, ऐसा कुछ होता है शिखा खरे जी का कथक नृत्य। गीत गाती कोयल खामोश हो जाती है, मंद मंद बहती हवा थम जाती है, मध्यम मध्यम बहती नदी अपनी रवानगी भूल जाती है। पूनम की रात अपने जूड़े में बड़ा सा चांद खोसे ठहर जाती है। कथक का करिश्मा, उसका जादू किस तरह अपने दर्शक को अपने मायावी आकर्षण में बांधता है, इसकी अद्वितीय उदाहरण है प्रख्यात नृत्यांगना शिखा खरे जी। भारत सरकार की अखिल भारतीय महिला उपलब्धि पुरस्कार विजेता और कथक के राष्ट्रीय संस्थान श्री राम भारती कला केंद्र और कथक केंद्र की कथक गुरु शिखा जी अमेरिका, कनाडा, अफ्रीकी देशों, इंग्लैंड, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, दुबई आदि के अंतर्राष्ट्रीय कला मंचों पर परफॉर्म कर चुकी हैं। एक निर्देशक के रूप में उन्होंने कई कलात्मक प्रोजेक्ट्स की रचना की है। शिखा जी का यह सर्वोत्तम योगदान है। देश के प्रख्यात कालजयी कवियों कालिदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद एवं चंचिक आदि की कविताओं को उन्होंने अपने कथक के नूपुरों से अलंकृत किया है। शिवानी जी के कथक नृत्य का आस्वाद जीवन का कभी भूल न सकने वाला एक संपन्न कला अनुभव है। कथक नृत्य प्रस्तुति गुरु शिखा खरे।
छत्तीसवें चक्रधर समारोह में आप सबका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। चक्रधर समारोह की आज की इस शाम में आपके साथ मैं रेणु गोयल, संगीत परिवार के जन्मे प्रख्यात पखावज वादक श्री विठल राजपुरा के दादा श्री सोनी गोवर्धन दास जी हवेली संगीत में अपनी सांगीतिक विशेषता के लिए प्रसिद्ध थे। विठल जी ने अपने पखावज प्रेम के कारण इसका विधिवत प्रशिक्षण लेना प्रारंभ किया। श्री गोस्वामी देवकी नंदन जी महाराज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध कलाकार थे। विठल राजपुरा जी पखावज पर स्पष्ट रूप से बोल परन रेला खेल सकने में माहिर वादक हैं। पखावज वादन श्री विठल राजपुरा जी। अज्ञानति मीरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरम विनीतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे गुरुदेव गोस्वामी श्री देवकीनंदन जी महाराज जी के चरणों में सादर नमन एवं वंदन। मेरे गुरुदेव गोस्वामी श्री दिव्येश कुमार जी महाराज जी के चरणों में सादर नमन एवं वंदन। मेरे माता पिता और मेरे दादा दादी के चरणों में नमन एवं वंदन। आप सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि आज 36वें चक्रधर समारोह में मुझे राजा चक्रधर को अपने पखावज वादन से श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक अवसर मिला। इसके लिए मैं जो चक्रधर समारोह की जो चयन समिति है उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ तथा साथ ही साधुवाद भी देता हूँ कि उन्होंने इस महामारी के दौर में इस परंपरा को जीवंत रखने के लिए एक डिजिटल मंच के माध्यम से सारे कलाकारों को एकत्रित कर और आप सभी को सुनवाने का एक अवसर दिया। आज मैं आपके सामने ताल टेवरा प्रस्तुत कर रहा हूँ और अभी चूंकि गणेश जी सभी के घर पर विराजमान है, रिद्धि सिद्धि के दाता सभी के घर पर विराजित है, तो मैं अपने वादन की शुरुआत गणेश परण से करूँगा। आज मेरे साथ लहरा दे रही है मेरी धर्मपत्नी पूर्णिमा राजपुरा, वॉयलिन पर दे रही लहरा। आप सभी से आशीर्वाद चाहूँगा कि मेरा वादन आप लग सभी लोगों को अच्छा लगे और आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरे गुरुदेव की कृपा सदा हम पर बनी रहे। ताल तेवरा। Thank you.
महाधिपति एक दंत लंबोदर गणपति विघ्न विनाशक सर्व सुख दायक नित्य सिद्धि के दाता प्रणाम धा जयति जयति जय जय गणाधिपति एक दंत लंबोदर गणपति विघ्न विनाशक सर्व सुखदायक रिद्ध सिद्धि के प्रणाम धा जयति जयति जय जय गणाधिपति एक दंत लंबोदर गणपति विघ्न विनाशक सर्व सुखदायक रिद्धि सिद्धि के प्रणाम धा छोटे छोटे बोल प्रस्तुत हैं दो तीन Thank you.
गार्की परंड प्रस्तुत है। छोटी सी गुरुदेव प्रणाम की परंपरा प्रस्तुत कर रहा हूं। श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम। लयकारी का प्रकार है धूमकिट, तो छोटी सी एक आपको धूमकिट की लयकारी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। फरमाइशी चक्करधार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कृतकम कृतकथंगा ताकता तरि कृतकता 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 तरि कृतकता
राधा कृष्ण की नृत्य परण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बहुत ही सुंदर वर्णन है। बंसी भट्ट और यमुना के तट करत रास राधा नागरी नट पहरे तन पटपी श्रवण कुंडल जल कत है फरहरा पट नील बीत दो नृत्य करत है बाजत मृदंग त्रिगिर्द गदा त्रिगिर्द गदा थई 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 त्रिगिर्द गदा त्रिगिर्द गदा थई 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 त्रिगिर्द गदा त्रिगिर्द गदा थई 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 बंसी भट्ट और यमुना के तट करत रास राधा नागरी नट पहरे तन पटपी श्रवण कुंडल चल कत है हर हरा पट नील बीत दो नृत्य करत है बाजत मृदंग त्रिगिर्द गदा त्रिगिर्द गदा थई 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 त्रिगिर्द गदा त्रिगिर्द गदा थई 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 त्रिगिर्द गदा त्रिगिर्द गदा थई 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 बंसी भट्ट और यमुना के तट करत रास राधा नागरी नट पहरे तन पटपी श्रवण कुंडल जल कत है फर हरात पट नील पीत दो नृत्य करत है बाजत मृदंग त्रिगिर्द गदा त्रिगिर्द गदा थई 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 त्रिगिर्द गदा त्रिगिर्द गदा थई 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 त्रिगिर्द गदा त्रिगिर्द गदा थई थई थई
पहले से समापन करूंगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमें सुना और आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और हमें अगले वर्ष भी याद कीजिएगा। धन्यवाद। आइए चलते हैं गज़ल की महफिल में। गज़लों का जिक्र होते ही दो सौंधे सौंधे नाम झिलमिलाने लगते हैं, भूपेन सिंह और मिताली। भूपेन जी का और मिताली जी का गायन संगीत के देवता के आशीष की मानद है। भूपेन जी की आवाज़ में मोहब्बत को मुस्कुराते हुए महसूस किया जा सकता है। दूसरी तरफ दर्द अपनी संपूर्णता में एक कंप्लीट डेंसिटी में उनकी आवाज़ में अड्डा बनाकर मौजूद रहता है। दरअसल स्वाद के जिस सौंधेपन की बात होती है, वही सौंधेपन भूपेन जी की गायकी में महसूस होता है। और जब वे गुलजार साहब की गज़लें गाते हैं तो गायकी का यही सौंधापन आप अपने इर्द गिर्द महसूस कर सकते हैं। और अब मिताली जी की गायकी की कुछ खास बातें। मिताली जी की गायकी का जादू ये है कि जब वे फूलों से हंसने के लिए कहती हैं तो वे खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। मिताली जी की गज़लें दिलों में कंदिलों की मध्यम मध्यम रोशनी बगरा जाती हैं। एक स्निग्ध उजाले से दिल का गोशा गोशा रोशन हो जाता है। दरअसल मिताली जी अपने आप में एक खूबसूरत गज़ल हैं। मिताली जी की दर्द भरी गज़लों में उनकी आवाज़ दर्द के हल्दी वाले पीले रंग में रंगी महसूस होती है, जिसे आप अपनी उंगलियों में महसूस कर सकते हैं। मिताली जी की गज़ल गायकी से अनेक तस्वीरें भी बनने लगती हैं, जैसे नदी का किनारा, उस किनारे में बहती लहरों में हरे पत्ते के दोनों में दीप धरती और हौले हौले उन दीपों को बहाती एक प्रेयसी। भूपेन जी और मिताली जब साथ गाते हैं तो लगता है कि दिन जाड़े के हैं और खुली खिड़कियों से धूप भीतर आ रही है। दोनों का गुलजार साहब की लिखी 10 गज़लों का एल्बम इसका साक्षी है, गवाह है। भूपेन और मिताली जी न केवल मेड फॉर ईच अदर हैं, बल्कि गज़लों के साथ इनका रिश्ता भी यही कहलाता है, मेड फॉर ईच अदर। आइए मिलते हैं भूपेन जी और मिताली से। नमस्कार, मैं हूं मिताली सिंह। और आज जो मैं कहने जा रही हूं वो है चक्रधर समारोह के बारे में, जो हर साल सब कलाकारों को बुलाकर सम्मानित किया जाता है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूं कि ये जो प्रयास चक्रधर महाराज जी ने शुरू किया था, ये मुझे लगता है एक बेहद खूबसूरत, जो कलाकारों का सम्मान करना, आदर करना, उत्साह देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक उद्योग उन्होंने उठाया था। और हर साल हमारे जैसे कलाकारों के लिए
ये हम लोग उत्साहित होते हैं और हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि हमें इतना सराहा जाता है। और मैं और भूपेंद्र जी हम खुद आए थे, इतना प्यार आप लोगों ने हमें दिया है कि ये बरकरार रहे ये महोत्सव। और इस साल ये 36वां समारोह है, लेकिन डिजिटली जो भी आप लोग करने जा रहे हैं हम आपके साथ हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये फूले फले और सालों साल तक आप कलाकारों का इसी तरह कार्यक्रम आयोजन करते रहे और हम आते रहें। रायगढ़ के वासियों को भूपेंद्र सिंह का प्यार भरा नमस्कार। कुछ अर्सा पहले हम लोग आपके शहर में चक्रधर समारोह के लिए आए थे, मैं और मिताली जी, और वो प्यार और वो मोहब्बत जो आप लोगों ने हमें दिया वो हम अभी तक भूले नहीं हैं। ये प्यार ये मोहब्बत हर कलाकार के लिए आप यूँ ही बनाए रखिए, ऐसे ही हर साल आप अपना ये कार्यक्रम करते रहिए, आर्टिस्टों की हौसला अफजाई करते रहिए और हर उत्सव के लिए हमारी शुभकामनाएं बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। खुश रहिए, जीते रहिए। थैंक यू।
ये मात्र एक विराम है, क्योंकि चक्रधर समारोह सर्वकालिक और सर्वव्यापक है। 36वें चक्रधर समारोह में आप सबकी सहभागिता के लिए बहुत धन्यवाद। और अब मुझे प्रोफेसर अंबिका वर्मा को दें इजाज़त। धन्यवाद।